एमका पर आई बड़ी खुशखबरी, मेटल कटिंग से काम शुरू। एमका के निर्माण स्तर देख चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एमका को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं, लेकिन आगे हम आपको कुछ बताएं उससे पहले एक समस्या के बारे में आपको हम बता देते हैं जो डीआरडीओ और एडीए के सामने आ रही है एमका को बनाने में। दोस्तों, ये समस्या आ रही है एमका के इंजन को लेकर। दरअसल ये तो आपको जानकारी होगी ही कि इस समय भारत के पास खुद का एक जेट इंजन मौजूद नहीं है, यानी कि जेट इंजन्स के लिए भारत हमेशा दूसरे शक्तिशाली देशों पर निर्भर रहता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस। ऐसे में एमका में जो लगने वाला इंजन है वो हम अमेरिका से लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका हमको अपना टॉप ऑफ द लाइन F414 इंजन है वो प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका हमारी इंजन में भारी मदद कर रहा है और जब तक हम खुद का इंजन नहीं बना लेते तब तक हम अमेरिका पर ही निर्भर रहेंगे और तब तक हम अमेरिकी इंजन से ही काम चलाएंगे। लेकिन अब डीआरडीओ और एडीए के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये F414 इंजन जो अमेरिका का है वो अमेरिका के हिसाब से बना हुआ है। इस इंजन को अमेरिका के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जो अमेरिका का क्लाइमेट है, वहां की जो वेदर कंडीशंस हैं उसी के अनुरूप इसे बनाया गया है। और भारत की जो कंडीशंस हैं वो अमेरिका से पूरी तरह उलट है, क्योंकि हमारा जो एमका होगा वो अलग मौसम में काम करेगा, क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ भयानक गर्मी में लड़ेगा और दूसरी तरफ उसको साथ ही साथ हिमालय की जो बहुत ही सर्द पहाड़ियां हैं वहां रक्षा कवच बनके खड़ा रहना होगा। और ऐसे में हमें ऐसा इंजन चाहिए जो किसी भी स्थिति में भले ही वो कितना ही हार्श क्यों ना हो चट्टान की तरह खड़े रहे, वहां सुपर क्रूज कर सके, क्योंकि दोस्तों युद्ध के दौरान सुपर क्रूज बहुत अहम हो जाता है। अब जो ये अमेरिका का इंजन है F414, वैसे तो इसे दुनिया के बेस्ट इंजन्स में रखा जाता है, एकदम रिफाइन इंजन है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर समस्या क्या है, तो दोस्तों समस्या ये है कि इसे कुछ सुपर क्रूज कंडीशन में ही सुपर क्रूज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे सभी कंडीशंस में सुपर क्रूज नहीं करवा सकते और यही कारण है कि अमेरिका ने इसे अपने हिसाब से ट्यून करके इसकी पावर को 100 किलोमीटर न्यूटन तक सीमित करके रखा है। लेकिन भारत को कितना चाहिए एक इंजन में, वो ये है कि कम से कम भारत को 10 किलो न्यूटन पावर एक इंजन में चाहिए और दो इंजनों में 220 किलो न्यूटन पावर। ऐसे में अगर हम दो F414 लगाते हैं तो हमें 200 किलोमीटर तक की पावर मिल पाएगी। दोस्तों, कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर F414 इंजन लगा दिया गया ना एमका में तो ये जबरदस्त काम करेगा, ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट हो पाएगा और जहां पर गर्मी है वहां पर तो इससे अच्छा, इससे जबरदस्त इंजन कुछ और हो ही नहीं सकता है। लेकिन जहां पर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ही हार्श कंडीशन है, वहां पर इसे सुपर क्रूज नहीं करवा सकते, वहां के लिए फिर ये खुद को रेसिस्ट करने लगेगा। आसान भाषा में बोलें तो काम वहां भी ये जबरदस्त करेगा, हाँ, मात्र ये वहां सुपर क्रूज नहीं करवा सकता। और हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी युद्ध में सुपर क्रूज कितना महत्व रखता है। वहीं दोस्तों, भारत F41 के अलावा और कहीं जा नहीं सकता। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट इंजन है, इससे अधिक पावर वाला इंजन पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। जी हाँ, रूस के पास भी नहीं, इसीलिए ये इंजन भारत के लिए बहुत अहम है। ऐसे में भारत के पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है। जी हाँ, तो सवाल ये उठता है कि भारत अब करे तो करे क्या। ऐसे में भारत के पास ऑप्शन बस यही है। तो भारत क्या कर रहा है ना कि आने वाले समय में ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और ऐसे में भारत और ब्रिटेन की कंपनी मिलकर एक ऐसा इंजन बनाए जिसकी पावर 220 किलोमीटर तक हो और जो बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा भी हो, क्योंकि ऐसे इंजन्स तो रूस के पास भी हैं जिनकी 250 किलो न्यूटन तक की पावर है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो साइज में इतने बड़े हैं कि हमारे लड़ाकू विमान को एक नॉर्मल लड़ाकू विमान बना देंगे और ऐसे में हमको छोटा भी चाहिए और उनकी पावर भी बहुत अधिक हो।
और दोस्तों भारत अगर 2022 में भी काम शुरू करेगा तो 7 से 8 साल जरूर लगेंगे और तब तक भारत इंतजार नहीं करेगा। अब हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एमका जैसे खतरनाक हथियार के लिए इतना इंतजार बिल्कुल भी फायदेमंद भारत के लिए नहीं रहेगा। तो हम F141 के साथ ही पहला एमका बनाएंगे। जब तक खुद का इंजन तैयार नहीं हो जाता हम अमेरिकी इंजन के साथ ही काम करने वाले हैं। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी दूसरी बड़ी खुश कर देने वाली खबर। दोस्तों कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि भारत दिसंबर 2021 में CDR करने वाला है। किसका? एमका का, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, और इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी ऑफिशियली। लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि DRDO इस समय बहुत सारे मिसाइलों के परीक्षण में लगा हुआ है, यानी कि DRDO के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके अलावा ADA भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं और इसके CDR को अब दिसंबर में तो किया नहीं गया, इसीलिए आने वाले 2-3 महीनों में इसे कर दिया जाएगा। और जैसे ही CDR पूरा हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही मेटल कटिंग भी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि ऑफिशियली एमका का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये पिछले 1 साल से बन रहा है। जी हाँ, एमका को लेकर हम अपडेट आपको बहुत समय से दे रहे हैं और आपको हम आज बता देना चाहते हैं कि इसे लेकर 1 साल से खबरें आ रही हैं। इसके अलग अलग तकनीकों पर अलग अलग तरीके से काम चल रहा है, अलग अलग जगहों पर इसका काम चल रहा है, लेकिन इसका जो मेन फ्रेम होता है वो होती है इसकी मटेरियल कटिंग, जो कि अब तक शुरू नहीं हुई थी। और एमका को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट आई है अब तक वो यही आई है कि ऑफिशियली अब इसका निर्माण शुरू हो रहा है, यानी कि इसका जो मेन फ्रेम है मटेरियल कटिंग वो शुरू हो रही है ऑफिशियली, और ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों ये थी नई अपडेट भारतीय एमका को लेकर। जैसे ही कोई नई खबर आएगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार खबर के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।